आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम। स्ट्रेस इन अ बीम, जैसे कोई भी बीम है आपकी, सपोज ये बीम है आपकी, इसमें स्ट्रेस आ जाएगा तो ये यू बेंड हो जाएगी आपकी, यू बेंड होगी या यू। सेगिंग और हॉगिंग के मैंने दो केस बताए थे इसमें, SFD और BMD में। तो वही हम जो बेंडिंग है ना बीम्स में, उसे कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेटेड करेंगे, कौन कौन से स्ट्रेस आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा उसमें, प्योर प्योर बेंडिंग की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए और बेंडिंग के लिए क्या क्या अजम्पशन लेंगे हम, बीम में बीम कैसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें हमको पता है। ये प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अजम्पशन लेंगे हम जो भी हैं कि बीम ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब स्ट्रेट बीम हो, ये स्ट्रेट तो होगी नहीं, मैंने आपको बताया था वो बैंड होगी, उसका कुछ सेंटर ऑफ द कर्वेचर होगा, वो कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू पे जाके मिलेगा। अगर इस टाइप की स्ट्रेट बीम होगी तो उसका सेंटर ऑफ द कर्वेचर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा तो उसका सेगिंग और हॉगिंग आपका निकलेगा नहीं, तो उससे आपका बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम कैलकुलेट नहीं होगा। तो स्ट्रेस इन अ बीम, स्ट्रेस इन अ बीम क्या है, अ मेंबर, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स अंडर गो अ सर्टन डिफॉर्मेशन। जैसे ये बीम है आपकी, ये बीम है सपोज, अब इस पे क्या हुआ, सर्टन अंडर गोज डिफॉर्म होगी, कुछ इस पे शेयर फोर्स लगेंगे, पॉइंट लोड ये यहाँ लग रहा है 1 2 3, और कुछ इसमें क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट होगी, बैंड होगा, ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, तो क्या होगी, अंडर गोज सर्टन डिफॉर्मेशन, द मटेरियल ऑफ द मेंबर विल ऑफर अ रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। तो फिर जब ये स्ट्रेस होगी तो कुछ मटेरियल्स में क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टीमेट, ये पॉसिबल है जब हम एस्टीमेट करें दीज स्ट्रेस विद अ सर्टेन अजम्पशन। ये कब पॉसिबल है, जब हम इन अजम्पशन को कुछ दीज स्ट्रेस विद सर्टेन अजम्पशन। इन दिस चैप्टर वी शुड डिस्कस अबाउट दीज स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस कौन कौन से हैं जो इसे मतलब रेजिस्ट करेंगे अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। क्या होगा, अब बेंडिंग मोमेंट क्या, एक बैंड करता है, एक मेंबर को बैंड करेगा, इट स्ट्रेस इंट्रोड्यूस बाय द बेंडिंग मोमेंट कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। जो बैंड करना, बेंडिंग मोमेंट बैंड होगा, तो एक कोई स्ट्रेस जो इंट्रोड्यूस करेगा जो आपकी बीम है उसको बैंड करना, बेंडिंग मूवमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे आप, बेंडिंग स्ट्रेस। एंड सिमिलरली अगर शेयर फोर्स इंट्रोड्यूस है तो उसे क्या बोलेंगे आप, शेयर स्ट्रेस। अगर शेयर फोर्स इंट्रोड्यूस होगा तो शेयर स्ट्रेस, अगर बैंडिंग करवाएगा तो आपका बैंडिंग स्ट्रेस होगा। बैंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, कोई बीम को बैंड करना, यू, ये सेगिंग का केस है आपका और ये आपका हॉगिंग का केस है। अब प्योर बेंडिंग की कंडीशन देखते हैं, व्हाट इज़ प्योर बेंडिंग, आपके फर्स्ट टॉपिक इसमें यही दे रखा है, स्ट्रेस ऑफ बीम में व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द प्योर बेंडिंग। जैसे ये डायग्राम है आपका, डायग्राम देखो थोड़ा, ए फिगर शोज ई ई ए बी है फॉर द नेग्लिजिबल वेट विद द सपोर्ट ऑफ ए और बी, सपोर्ट उसमें किसका, ए और बी का। जैसे आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है, दे रखा ABEF, ठीक है, ये बी में उस पर ए बी, ये नीचे से डाउनवर्ड, ये दो पॉइंट लोड लग रहे हैं, डब्ल्यू वी एक्वल्स टू डब्ल्यू, ये शेयर फोर्स है, वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये पॉइंट लोड है, ये ऊपर से यहाँ दो पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं ई पर और एफ पर, ठीक है। फिर ये शेयर फोर्स डायग्राम में इसका क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट लोड पर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये शेयर फोर्स SFD BMD में समझाया, ये पॉइंट लाइन और इस पर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और अगर आपका पॉइंट लोड है तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक इंक्लाइन लाइन होगा, ये इंक्लाइन लाइन है। इस टाइप से हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस बीम के ड्रॉ कर दिए। अब ये पेयर बेंडिंग की कंडीशन क्या होती है, अब वो देखते हैं हम, पेयर बेंडिंग की कंडीशन क्या है। आपकी प्योर बेंडिंग की कंडीशन हम लेट अस ओवरहैंग दे रखी है, एक बीम डेफिनेशन दे रखी है इसने, ठीक है। ई ए, लेट अ पॉइंट लोड डब्ल्यू विल बी अप्लाइड एट ईच एंड ऑफ द बीम, इट इज़
इजी टू सीन दैट बिटवीन ए एंड बी एम ए और बी के बीच में क्या है, बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट है. तो ए और बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट है, देयर इज नो शेयर फोर्स ए और बी के बीच में. ए और बी के बीच में कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट है, ये कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट है क्योंकि इसके बीच में कोई शेयर फोर्स नहीं है. ये यहाँ कह रहे हैं ए और बी बिटवीन ए नो शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी द बीम इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम शेयर फोर्स. वहाँ कोई शेयर फोर्स नहीं है, यहाँ कोई शेयर फोर्स बट इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू ए. यहाँ कोई शेयर फोर्स नहीं है ए और बी के बीच में, बट एक शेयर फोर्स पर बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू ए. डब्ल्यू ए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, पर यहाँ कोई शेयर फोर्स जीरो और बेंडिंग मोमेंट का आपका मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू ए. दिस कंडीशन ऑफ द बीम बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग. तो ए और बी के बीच की जो कंडीशन है आपकी प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग है, क्योंकि आपके शेयर फोर्स क्या है कॉन्स्टेंट है और ए पार्ट इज सब्जेक्टेड टू बी प्योर बेंडिंग इफ नो शेयर फोर्स. जहाँ कोई शेयर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता इन दिस पार्ट, इन रियलिटी अ प्योर बेंडिंग डज नॉट थियोरेटिकली एग्जिस्ट. थियोरेटिकली एग्जिस्ट नहीं करती है बिकॉज ऑफ स्टेट्स नीड्स एन एब्सोल्यूट वेटलेस मेंबर. वेटलेस मेंबर दैट द स्टेट ऑफ द प्योर बेंडिंग इज अप्रोक्सीमेटली मेड इन इन द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. अब क्या होती है प्योर बेंडिंग की जो कंडीशन है कौन कौन सी है वो हम इस डेरिवेशन से देखेंगे. अब ये क्या दे रखा है, थ्योरी ऑफ द सिंपल बेंडिंग. सिंपल बेंडिंग ये आपकी बीम है, नीचे ये आपकी बीम है ए बी सी डी. ये एम मोमेंट यहाँ लग रहा है आपका, ये एम मोमेंट यहाँ पे लग रहा है, दोनों जगह आपका एम मोमेंट लग रहा है. ये आपकी एक्सेस है ई एफ और ये जी एच और ये बी डी, अलग अलग दिखा रखा है इसने ई एफ एच जी. ये ई एफ क्या है आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये यहाँ देखा एन ए न्यूट्रल एक्सिस है. ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने कट किया. ये क्या है इतनी एलिमेंटल है ये बीम का, ये डेल्टा एक्स है. ये स्ट्रेस डायग्राम है और ये ये बैंड होगी, ये मोमेंट यहाँ लग रहा है ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है. अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट लग रहा है उससे आपकी बीम क्या होगी बैंड हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा. इस टाइप से ये एक बैंड हो गई. तो ये जो आपका जी और जी एच था, जी और जी एच आपका पहुंच गया जी वन और एच वन पर, बी और डी है तो बी वन डी वन पर पहुंच गया, ए और सी है तो ए वन सी वन पर पहुंच गया, और ई और एफ ई वन और एफ वन पर पहुंच गया. ये इसकी ये जब हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ डालेंगे तो ये किसी पॉइंट पे जाके मीट होंगी, वो ओ है. वहाँ से ये थीटा बना रहा है इसके साथ में, ये थीटा और ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी आपकी आर. अब थ्योरी क्या कहती है सिंपल बेंडिंग की. फिगर शोन इज सिंपल बेंडिंग इज अ प्योर बेंडिंग है, जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो हो वो आपकी क्या होती है बेंडिंग मोमेंट. द पार्ट ऑफ द लेंथ इज डेल्टा एक्स सब्जेक्टेड टू, ये वही है जो सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ. दिस लेयर इज अ न्यूट्रल लेयर और अ न्यूट्रल सरफेस. ये ई एफ क्या है आपकी न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल सरफेस है. यहाँ पर क्या है एट अ लेवल बिटवीन द टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम ऊपर और नीचे के बीच में उधर बीम, देयर विल बी अ लेयर ऑफ फाइबर्स. ये फाइबर की होती है छोटे छोटे फाइबर्स से आपकी बीम बनी है, छोटे 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 यहाँ यहाँ जैसे मतलब एम वन एम टू एम थ्री मास है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस टाइप के छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपकी फाइबर्स हैं आपकी ये बनी है बीम बनी है. विच नाइदर शॉर्टेंड एंड नॉर एक्सटेंड, और जहाँ ना ही तो वो छोटे होंगे अपना शेप चेंज करेंगे, चाहे वो बेंडिंग हो चाहे हॉगिंग हो चाहे सैगिंग, और नॉट एक्सटेंडेड. द फाइबर इन दिस लेयर आर नॉट स्ट्रेस, उस जो लेयर है उस फाइबर में वहाँ आपका स्ट्रेस जीरो होगा. दिस लेयर इज कॉल्ड अ न्यूट्रल लेयर ऑन अ न्यूट्रल सर्फेस, उस लेयर को क्या कहेंगे न्यूट्रल लेयर न्यूट्रल सर्फेस. द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल सर्फेस ऑन अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, और जो लाइन होगी वहाँ से क्रॉस सेक्शन पे जिस उस जो आपका लेयर की वो उसे क्या कहेंगे आप न्यूट्रल एक्सिस. दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, एन ए यानी न्यूट्रल एक्सिस है. यहाँ पर ना ही तो आपके फाइबर एक्सटेंड होंगे इलोंगेटेड होंगे ना ही शॉर्ट होंगे. दिन दिस फाइबर इन दिस लेयर नॉट स्ट्रेस एट ऑल, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है. दिस लेयर इज कॉल्ड अ न्यूट्रल लेयर, इसे इसे क्या कहते हैं न्यूट्रल लेयर. और इस लेयर से जो एक्सिस गुजरती है लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रल एक्सिस. अब ये डायग्राम में इस डेरिवेशन में आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रही है. अब नाउ ऑल द फाइबर बिटवीन द जब दो आपकी एक्सिस थी ए और बी सी डी, ए बी और सी डी इज कंसिडर्ड टू द एक्सट्रीम फाइबर्स विल रिमेन ऑन द प्लेन ए वन. तो वो चेंज हो गए थे आपका ए बी ए वन बी वन सी बी सी वन क्यों डिफॉर्मेशन की वजह से ए वन बी वन और सी वन डी वन मीट्स कहाँ हो रहे थे आपका ओ पर. ओ क्या था आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर, द एंगल बिटवीन दिस पॉइंट में क्या था आपका थीटा था, ये आपको पता ही. तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस फाइबर इज जी एक्स इज डेल्टा एक्स, नीचे क्या थी आपकी ये लेंथ मैंने आपको दिखाई थी ये नीचे
जी एक्स थी, ये रही जी डेल्टा एक्स, जी एक्स आफ्टर द डिफॉर्मेशन दिस फाइबर विल बी डिफॉर्म फ्रॉम द जी एच वन द न्यू लेंथ, तो नई लेंथ आपकी क्या आई, आर प्लस वाई थीटा, क्या हो जाएगी आर आर प्लस वाई, आर प्लस वाई इंटू थीटा, ये आपकी क्या नई लेंथ है, पहले की लेंथ थी आपकी ए बी, ये लेंथ थी, अब ये यूँ चेंज हो रहा है ना, यूँ हो रही है ना, बैंड हुई है, तो इसकी जो लेंथ नई निकली प्लस वाई थीटा आपकी नई लेंथ निकली है, तो नई लेंथ निकली है तो यहाँ हमने क्या किया, इक्वेट किया, देयर फॉर द फाइबर ई बी हमारा ई एफ, हम न्यूट्रल एक्सेस है, देयर टेक पोजिशन ई एफ विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंजेस इन द लेंथ, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, ई एफ भी डिफॉर्मेशन में गया पोजिशन, तो ई एफ वन और ये ई एफ से ई एफ वन बन गया, तो ये वन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स थी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर आर इंटू थीटा, तो चेंज इन लेंथ जी एच में आपकी चेंज हुई थी, डेल्टा एक्स था तो इसमें चेंज क्या हुआ था आपका आर प्लस वाई, आर प्लस वाई थीटा, आर प्लस वाई थीटा माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स आपकी पहले जो ओरिजिनल लेंथ थी, न्यू लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को आप माइनस करेंगे तो आप इससे पूरे को समेशन करेंगे तो वाई थीटा निकलेगा, तो वाई थीटा निकलेगा, तो स्ट्रेन, तो ये देखिए चेंज इन लेंथ निकली आपकी वाई थीटा, स्ट्रेन ऑफ द फाइबर जी एच, जी एच का जी एच स्ट्रेन ऑफ द फाइबर जी एच में कितना निकला, ईज कस टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या है कि वाई थीटा, ओरिजिनल लेंथ क्या थी आपकी आर थीटा, ओरिजिनल लेंथ आपकी थी आर, हाँ ये डेल्टा एक्स थी, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, तो ये आर थीटा निकल गई, तो इक्वल्स टू थीटा थीटा कैंसिल, इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, तो सपोज द स्ट्रेस इंटेंसिटी इन अ फाइबर बी एफ, स्ट्रेस इंटेंसिटी, स्ट्रेस को हमने एफ से शो किया, वी हैव द स्ट्रेन ऑफ दिस फाइबर ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ई, तो ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ई, स्ट्रेस क्या होता है चेंज इन स्ट्रेस, ये ई ई क्या है आपका स्ट्रेन, ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ई, तो ई स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू वाई अपॉन चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ वाई अपॉन, तो एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, एफ इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर अपॉन वाई, हैंस द स्ट्रेस इंटेंसिटी इज एनी फाइबर, स्ट्रेस की इंटेंसिटी एनी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये डिस्टेंस और ई और आर तो आपके कॉन्स्टेंट है, तो एफ इज इक्वल्स टू ई बाय आर इंटू वाई, ये आपका रिलेशनशिप है किसका, थ्योरी ऑफ द बेंडिंग का, इसे लर्न रखना है आपको, भूलना नहीं है, निकालेंगे अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बीम, मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस शोज अ बीम सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोड, बीम पे एक्सटर्नल लोड लगा है, लेट वी ए बी वी द एंड में शेयर फोर्स लग रहे हैं आपके एंड ऑफ द सेक्शन, कंसिडर द सेक्शन एक्स एक्स एंड डिस्टेंस ऑफ द ए, अब यहाँ आपकी पूरी बेंडिंग इक्वेशन निकलेगी इस सारे डायरेक्शन, कंसिडर करेंगे हम सेक्शन एक्स एक्स फ्रॉम द सपोर्ट ए से, अब ये है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, इसमें ये आपकी बीम है, इस बीम में आपका वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है डब्लू, बीम में आपका वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है डब्लू डब्लू, और डाउनवर्ड जो लोड है वो डब्लू वन और डब्लू टू, आपके इस लोड में डब्लू वन और डब्लू टू लग रहे हैं, फिर है आपका शेयर रेजिस्टेंस एस ऑफर्ड बाय द, शेयर रेजिस्टेंस क्या है आपका एस ऑफर्ड बाय द सेक्शन एस, शेयर रेजिस्टेंस कंप्रेसिव रेजिस्टेंस सी, टेंसाइल रेजिस्टेंस टी, एस सी टी से डिनोट करेंगे, वेयर सिंस द टेंशन कंप्रेशन टेंसर आर ओनली लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे लगेंगे, देयरफॉर वी हैव द सेक्शन सी इक्वल टू टी, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्सटेंशन सी सी और टी के बीच में क्या है ए की आपकी डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, अब इस पूरी बीम के लिए, अब इस पूरी बीम के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, टेकिंग द मोमेंट्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, इसको आपको लिखना है, ये आपकी बीम है, तो सी ए वन ये आपका सेक्शन काट दिया इसने, सी ए वन ये बी है ये ए है, सी ये कंप्रेशन है, सी ए वन इक्वल्स टू वी ए इंटू एक्स माइनस ऊपर से लग रहा है ना माइनस डब्ल्यू इंटू ये पूरी क्या एक्स एक्स माइनस ए, तो ये लाइन निकल जाएगी डब्ल्यू वन की माइनस डब्ल्यू टू एक्स माइनस ए माइनस बी, तो आपकी लेंथ निकल जाएगी, तो ये आपका इक्वेशन है, इस पर आपने क्या लिया है आपने मोमेंट लिए, टेकिंग द मोमेंट इज दिस, तो स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ द एलिमेंट ये आपने पहले एफ इज इक्वल टू ई अपॉन वाई आर होता है, तो थ्रस्ट ऑन दिस एलिमेंट ये होगा, तो टेकिंग अब मोमेंट लेंगे हम इसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो ई ई अपॉन आर वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेक्शन ऑफ द बीम एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर
इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ द वाई इक्वल्स टू सी और वाई टी वाई स्क्वायर इंटू डी ए. तो एम क्या है यहाँ पे, हमारा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया है. तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया द सेक्शन ऑफ द बीम अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, लेट द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बी आई. तो एम इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन आई. ई आई ई आर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो एम इज इक्वल्स टू ई अपॉन आई. तो एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू ई आर आ रहा है. तो ये इक्वल है. तो एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू ई आर कॉन्स्टेंट इक्वल है. तो एम अपॉन आर इक्वल्स टू एम आई, ये भी कॉन्स्टेंट. तो एम अपॉन आई एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर. तो ये आपकी क्या है, दिस इज द प्योर बैंडिंग की आपकी इक्वेशन है, बैंडिंग इक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप. एम अपॉन आई इक्वल्स टू एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू ई बाय आर. इसमें कुछ अजम्पशन लिए थे हमने, बीम कैसी होगी क्या होगा जो भी है, उस अजम्पशन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं. कौन कौन से थे, तो द अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द प्योर बेंडिंग, द फॉलोइंग हैव बीन मेड इन द थ्योरी ऑफ द बेंडिंग. द बीम इज सब्जेक्टेड टू द प्योर बेंडिंग एंड देयरफॉर द फ्री फॉर्म शेयर फोर्स. उसमें पूरे पे बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी शेयर फोर्स नहीं हो. फर्स्ट अजम्पशन हमारा ये था इसमें. सेकेंड अजम्पशन है द मटेरियल ऑफ द बीम होमोजेनियस होना चाहिए. मटेरियल जो है आपकी बीम का क्या हो, होमोजेनियस, सब जगह एक जैसा हो, अलग अलग ना हो. दैट इज द आइसेंट्रॉपिक. आइसेंट्रॉपिक हैविंग द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन. ईच लॉन्गिट्यूडनल फाइबर इज फ्री टू एक्सटेंड और कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंटली. फ्री हो एक्सटेंड लॉन्गिट्यूड के लिए भी और एक्सटेंड और कॉन्स्टेंट के लिए भी, इंडिपेंडेंट हो. द वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस, ई की सेम हो पूरी बीम में, ठीक है, कंप्रेशन और टेंशन में. अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन विच इज अ प्लेन बिफोर बेंडिंग ऑल विल रिमेन एंड आफ्टर. जो ट्रांसवर्स सेक्शन है बीम का वो बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग क्या हो, सेम हो. द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, चाहे बीम कैसे भी आपकी डिफॉर्म हो. द रिजल्टेंट पुल और थ्रस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन बीम पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द डिफ्लेक्टेड, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है ना ऑफ द डिफ्लेक्टेड बीम इज वेरी लार्ज. डिफ्लेक्टेड बीम का आर बहुत लार्ज होता है एज कम्पेयर विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकली अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइडल ऑफ द सेक्शन एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बेंडिंग. ये आपके क्या थे, अजम्पशन थे किसमें, थ्योरी ऑफ द बेंडिंग में. ये आठों दस नौ अजम्पशन लंडन में एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, इसमें सेक्शन मॉडुलस. सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, द मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम, जो मोमेंट होता है रेजिस्ट करता है बीम को. एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मोमेंट होता है एम जो रेजिस्टेंट करता है सेक्शन ऑफ द बीम को. एंड आई इज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, एक न्यूट्रल एक्सिस के अकाउंट होता है एक मोमेंट रेजिस्ट कर. द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द सेक्शन डिस्टेंस वाय, जो स्ट्रेस है कोई भी पॉइंट पर उसकी डिस्टेंस वहाँ से वहाँ तक कितनी है वाई, एंड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन. तो उसके लिए न्यूट्रल एक्सिस एफ इज इक्वल टू एम अपॉन आई वाई, ये आपको रिलेशनशिप पता है. द मैक्सिमम स्ट्रेस अक्कर एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका क्या होगा, जैसे न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी यहाँ से तक, तो उसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेस अक्कर होगा. तो लेट वाई मैक्स बी द डिस्टेंस, ये वाई मैक्स हम उस डिस्टेंस को मानते हैं जहां पे हमारा मैक्सिमम ग्रेटेस्ट स्ट्रेस विल प्रोड्यूस होगा, किसमें, बीम में, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग, है ना, एट अ पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. लेट एफ मैक्स बी द स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस, वी हैव एफ मैक्स इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू वाई मैक्स, ये मैक्सिमम स्ट्रेस एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, इसी को हमने चेंज कर दिया वाई मैक्स मैक्स. एम इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन आई अपॉन वाई मैक्स, विच इज इक्वल टू, अब इसको आई आई अपॉन वाई मैक्स को हम लिख सकते हैं जेड. आई क्या मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और वाई क्या मैक्सिमम डिस्टेंस. तो आई को हम डिनोट कर देंगे जेड. तो वेयर जेड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट है, और डिस्टेंस फ्रॉम द, जहाँ पे मोस्ट डिस्टेंस है जहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस पर मोस्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. दिस इज द रेशियो ऑफ द कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्सिमम, इसको बोलते हैं हम सेक्शन मॉडुलस. हेंस इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफर्ड बाय द सेक्शन विच इज वेरी इजी टू कंप्यूट द मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी ऑफर्ड बाय द सेक्शन. हेंस अ बीम ऑफ द गिवन मटेरियल द ग्रेट मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बीम कैन बी ऑफर्ड इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू एफ सेफ जेड. एफ सेफ क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस विच अक्कर एट अ पॉइंट वेयर, जहाँ पे विच पॉइंट मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, मोस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. तो ये आपका जेड, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई, इसका रिलेशनशिप ये है, इसे लर्न रखना है आप लोगों को. इसके बाद में सेक्शन मॉडुलस, इसने सबके लिए जेड की वैल्यू डिनोट कर रखी है, आपको जेड की वैल्यू लर्न रखनी है. जैसे फॉर अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसके अबाउट वो सिमेट्रिक है जो प्लेन है. तो इसके अबाउट कितनी निकली, एम इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स एफ बी डी स्क्वायर है हमारा
नहीं ये रहा जेड, जेड इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर बाय सिक्स है तो एम निकल जाएगा, तो हॉलो सेक्शन के लिए निकालना है इसने बार मैक्सिमम कितनी देर के डी बाई टू, हॉलो सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू है जेड की वैल्यू है बी डी क्यूब बाय बी डी क्यूब सिक्स, सर्कुलर सेक्शन के लिए वाई की वैल्यू है ये डी बाई टू है, जेड इज इक्वल टू पाई डी क्यूब बाय 32, ऐसे ही हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारी जेड की वैल्यू है एंड पाई डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 बाय 32, तो हम निकालेंगे इससे। इस पर कुछ प्रॉब्लम दे रखी है कि इस टाइप से ये आपका कैलकुलेट होगा किस में एग्जाम में।